अगर मैं आपको ये दो फोटोज दिखाऊं तो आप में से मैक्सिमम लोगों को ये वाली फोटो ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि ये नेचुरली एडिटेड है। देखो एक जमाना था जब लोग बहुत ज्यादा ओवर एडिटिंग करते थे और लोगों को पसंद भी आती थी। मैंने खुद वो टाइम देखा यार जब बहुत ज्यादा नीली पीली एडिटिंग करते थे, उसको सीबी एडिटिंग बोलते थे। बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लर कर दो, येलो कर दो और फोटो बिल्कुल मस्त चकाचक एडिट हो जाती थी। लेकिन आज का टाइम ऐसा है ना कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा सिंपल फोटोज ज्यादा अच्छी लगती है। इंस्टाग्राम के फीड्स पे आप कभी जाकर देखना, आप जो नेचुरल फोटोज पोस्ट करोगे ना उनको ज्यादा अच्छी रीच मिलती है, ज्यादा अच्छा एंगेजमेंट मिलता है क्योंकि लोगों को नेचुरल फोटोज देखने में ज्यादा अच्छी लगती है। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप फोटो को नेचुरली कैसे एडिट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये वाली फोटो एडिट की थी, इनमें यह पता भी नहीं लग रहा था कि फोटो को एडिट किया गया क्योंकि ओरिजिनल जो कलर थे फोटो के वो एक्चुअल वैसे ही थे, बस फोटो को थोड़ा बहुत करेक्ट किया गया था। सो अगर आप भी किसी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर जा रखे हैं, आप चाहते हैं वहाँ के कलर्स में आप छेड़खानी ना करें, तो आप अपनी फोटो को बहुत ही नेचुरली एडिट कर सकते हैं और आपकी फोटो बहुत ही बेस्ट लग सकती है। तो इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कैसे आप नेचुरली अपनी फोटोज को एडिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो फाइनली आई एम इन Lightroom मोबाइल एंड यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ना वो ये कि फोटो को पहले करेक्ट नहीं करते हैं, जस्ट उसको एडिट कर देते हैं। अब देखो करेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना पूरी डिटेल्स को रिकवर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर जाएंगे और पूरा हाईलाइट नीचे, एक्सपोजर नीचे, ताकि बिल्कुल जस्ट बादल आ जाए। लेकिन इसके क्या होता है कि सामने जो आपका फ्रंट है, जो फोटो में आपका फोरग्राउंड है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें खराब हो जाती है। तो आपको ये कैसे करना है, पहले मैं एक बार ये हिस्टोग्राम बंद कर देता हूँ, इन्फो ओके एंड ये रीसेट करता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपनी फोटो के हिसाब से देखना है कितनी चीज़ें आपको कम या ज़्यादा करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है एक्सपोजर, उसके बाद हम सारी चीज़ें बाकी सेट करेंगे। तो एक्सपोजर कम करेंगे एंड देखेंगे बैकग्राउंड की डिटेल्स कितनी वापस आ रही है। तो देखिए जस्ट मैं इसको इतना कम करूँगा एंड आई थिंक इतना सही है। अब जो हमारी फोरग्राउंड में इमेज ख़राब हुई है उसको हम कैसे सही करेंगे, शेडोज को अप कर देंगे एंड यू सी ये चीज़ वापस आ चुकी है। सिमिलरली थोड़ा वाइट्स को बढ़ाएंगे एंड हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। ब्लैक्स थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो इसको भी थोड़ा सा हम अप कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर आपको आपकी इमेज थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगे तो आप इसका कॉन्ट्रास्ट भी कम कर सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे हमने पूरी इमेज में काफ़ी चीज़ों को रिकवर कर लिया है एंड बैकग्राउंड के हिसाब से अब बहुत अच्छा ही लग रहा है क्योंकि स्काई हल्के से रिप्लेस लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो में बिल्कुल बेसिक करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद हम आएंगे कलर करेक्शन पर। तो यहाँ पर आएंगे एंड मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना पूरी इमेज का जो है सैचुरेशन ऐसे बढ़ा देते हैं ताकि पूरी इमेज बिल्कुल ब्राइट लगे और कलरफुल सी लगे, बट ये गलत तरीका। आपको करना क्या होता है, इसको रीसेट करते हैं। आपको जस्ट अपना वाइब्रेंस बढ़ाना होता है एंड देखो वाइब्रेंस बढ़ा के क्या हो रहा है ना, सिर्फ स्काई का जो कलर है वो मस्त वापस आ रहा है लेकिन स्किन हमारी ख़राब नहीं हो रही है। तो जब भी आपको इमेज में कलर्स को वापस लेके आना हो तो मेक श्योर कि आप जस्ट वाइब्रेंस को बढ़ाएं, सैचुरेशन को ना बढ़ाएं। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप फोटो को शूट कर रहे हैं तो मेक श्योर अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ओवर एक्सपोज हो रही है या फिर अंडर एक्सपोज हो रही है तो उस टाइम पर आप फोटो को रॉ में शूट करें ताकि उसको आप एडिटिंग में रिकवर कर सको, जैसे कि यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल्स को रिकवर कर लिया है। तो देखो इस बेसिक करेक्शन के बाद लोग करते हैं यहाँ कि सीधे आते हैं यहाँ पर कलर्स के अंदर और यहाँ पर बिल्कुल कलर्स को टील ऑरेंज की तरफ छेड़ने लग जाते हैं। और वो कैसे, बिल्कुल जैसे ये ब्लू कलर सेलेक्ट किया और इसको बिल्कुल ऐसे ये कर देते हैं और ये ऑरेंज कलर लिया या येलो कलर लिया, इसको बिल्कुल ये कर दिया, पूरी इमेज की ऐसे ना धज्जियाँ उड़ जाती है। तो इसको हम पहले रीसेट करेंगे और आपको देखना है कि आपकी इमेज में एक्चुअली टील ऑरेंज की जरूरत है भी या फिर कोई और कलर टोन आपकी इमेज ज़्यादा अच्छी लग सकती है। जैसे देखो एक तरीका ये कि पूरी इमेज में बिल्कुल डीसैचुरेटेड टोन से रख सकता हूँ, जैसे दिखाता हूँ आपको यहाँ पर अभी। तो सभी कलर्स हम क्या करेंगे, सैचुरेशन बिल्कुल कम कर देंगे स्किन के अलावा जो भी कलर्स हैं। सो देखो ऐसे कलर टोन्स कुछ लोग रखते हैं फोटो में। तो इस टाइप की कलर टोन कभी कभी फोटो में अच्छी लगती है लेकिन जब आपके पास इतना ब्यूटीफुल नेचर है बैकग्राउंड में दिखाने को तो आपको ये वाली कलर टोन नहीं करनी चाहिए एंड आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से जो कलर टोन्स रखनी चाहिए। तो मैं एक बार सारा रिसेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल भी ओवर एडिटिंग नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा ब्लू कलर है इसको थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाएंगे पहले एंड इसको बिल्कुल हल्का सा छेड़ेंगे। मतलब अगर हम इसको बिल्कुल इतना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नकली लगेगा, बट हम इसका जो ब्लू कलर है इसका हल्का सा जो टिंट है ये छेड़ेंगे एंड इसका जो यू बिल्कुल थोड़ा सा टील की साइड ले आएंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड कलर इमेज में दिख रहा है मोस्टली वो आपका ग्रीन कलर है, तो इसका हम क्या करेंगे, सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इसका यू नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो येलो कलर हमारा है इसका हम थोड़ा सा सैचुरेशन कम करेंगे ओके एंड जो ऑरेंज कलर हमारा स्किन का है इसको मैं थोड़ा सा जो है सैचुरेशन बढ़ाऊंगा। इसके अलावा मेरी स्किन थोड़ी सी डल लग रही है तो मैं क्या करूँगा, लुमिनेंस थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ ऐसे एंड दैट्स इट्स। कलर्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसके बाद जो एक बहुत ही प्रो वाली चीज़ है जो आप अपनी फोटो में कर सकते हैं अगर आपने फोटो को रॉ में शूट किया हुआ है, वो है लेंस करेक्शन। तो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर देखिए इसने लेंस को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। तो ये फोटो कैनन RF 16mm से क्लिक हो रखी है एंड इसने इसको डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेंस विनियटिंग। देखिए ये बहुत ही सटल सा एक विनियट आता है इमेज में एंड ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मेक श्योर आप ये वाला विनियट ना यूज़ करो, ये बहुत ही नकली लगता है और मैं इसको कभी यूज़ भी नहीं करता। तो जब भी आपको विनियटिंग इमेज में करनी हो आप यहाँ से लेंस करेक्शन में जाकर ये लेंस विनियटिंग यूज़ किया करो, बट ये आपका तभी काम करेगा अगर आपने फोटो को रॉ में क्लिक कर रखा है। ये होते हैं रॉ इमेज के फायदे, तो मेक श्योर अगर आपके पास रॉ इमेज का ऑप्शन है तो आप उसको ज़रूर से यूज़ करें। ये करने के बाद मैं इमेज में थोड़ी सी क्रॉपिंग करूँगा, तो यहाँ पर आते हैं एंड इसको इंस्टाग्राम के लिए 4:5 में क्रॉप कर देंगे। ये रहा 4:5
एंड इसको बिल्कुल सेंटर ऐसे अलाइन करूँगा। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्रॉप हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल चीज़ हमारी है वो है यहाँ से सिलेक्शन टूल। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं यार हमारे फ़ोन में ये सिलेक्शन टूल नहीं चल पाता है एंड ये जो मास्किंग टूल है ये नहीं चल पाता है। तो यार इसके लिए या तो आपको लाइटरूम खरीदना पड़ेगा या फिर आपको लाइटरूम कहीं से चुराना पड़ेगा गूगल वगैरह से, तो वो आप देख लेना कैसे आपको फ्री में लाइटरूम मिल सकता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, बैकग्राउंड को थोड़ा और डल करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ से सेलेक्ट स्काई सेलेक्ट करूँगा। ऑटोमेटिकली हमारी स्काई जो है सेलेक्ट कर लेगा। अब देखो इसने यहाँ पर स्काई के साथ हमारी स्किन को भी सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आई थिंक कोई चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम डिलीट करेंगे एंड जस्ट अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही परफेक्ट, इसको हम जस्ट इन्वर्ट करेंगे यहाँ से एंड बैकग्राउंड का जो आप एक्सपोजर कम करेंगे, एक्सपोजर कम लेकिन वाइड्स को बढ़ाएंगे ताकि इमेज डल ना लगे। तो ये देखिए एंड आप चाहो तो हाईलाइट को भी बढ़ा सकते हैं। ये करने के बाद इसको करेंगे यहाँ से डन एंड इस बार मैं एक रेडियल ग्रेडियंट लूँगा फेस के अराउंड बनाने के लिए और यहाँ पर इसको ऐसे थोड़ा सा रखेंगे एंड इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हमारी स्किन थोड़ी सी पॉप हो जाए। इसके अलावा आप चाहो इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी स्मूथ लगे। इसके बाद इसको डन करेंगे एंड देखिए स्किन बहुत ही परफेक्ट लग रही है। इसके अलावा एक हम और चीज़ कर सकते हैं, हाथ वगैरह हमारे बहुत ज़्यादा डर लग रहे हैं तो यहाँ पर अगेन जाएंगे एंड एक और रेडियल लेते हैं और इसको थोड़ा सा रफ बनाते हैं इस बार ऐसे, और यहाँ पर जितना ही पार्ट है इसका हम क्या करेंगे वाइट्स को बढ़ाएंगे। तो वाइट्स पर आते हैं एंड देखिए बहुत ही सही लग रहा है, डन। इसके अलावा फाइनल एक बार यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे सो देखिए ताकि हमारा सब्जेक्ट जो है बाकी चीज़ों के मुकाबले डल ना लगे। एक्सपोजर तो बढ़ा लिया लेकिन स्किन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे स्किन को। तो सबट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 5 एंड इसका रेडियल ग्रेडियंट लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा सबट्रैक्ट हो चुका है जो कि सही लग रहा है, इसको डन करते हैं एंड ये बेसिक यहाँ पर एक हमारी एडिट हो चुकी है इमेज। इसके अलावा क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे एंड एक और लीनियर ग्रेडियंट लेंगे नीचे की साइड से और इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। तो विनेट अगर आपको कभी इमेज में डालना हो तो आप वहाँ से विनेट मत डाला करें, जो नॉर्मल ऑप्शन है यहाँ से आप ऐसे मास्क बनाओ एंड इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दो। सो देखिए ये पार्ट बिल्कुल मस्त ऐसे डार्क हो जाएगा। अब देखो डार्क करने के बाद आपको और चीज़ क्या करनी है वो भी बता दूँ। ये डार्क हो चुका है, अब आएंगे यहाँ पर लाइट के अंदर और जब भी आप किसी इमेज में बहुत ज़्यादा ब्लैक पार्ट ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक्स हैं, इसकी वजह से आपकी इमेज बहुत ज़्यादा नकली सी लगती है ब्लैक पार्ट की वजह से, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक चीज़ों में डिटेल्स नहीं रहती है। तो उसको आप कैसे सही कर सकते हो, यहाँ पर आपको आना है कर्व में और यहाँ पर हम फेड ऐड करेंगे ब्लैक वाले पार्ट पे। तो जस्ट यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाते हैं, ये रहा हमारा शेडोज, ये है मिड टोन्स एंड ये है हाईलाइट्स। अब देखो हमें क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट को ऐसे उठाना है ऊपर की साइड ब्लैक वाले पार्ट को और इसके बीच में एक और पॉइंट बनाना है और उसको हल्का सा डाउन लेके आना जब तक आपकी इमेज बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। सो देखो ब्लैक पार्ट हल्का सा फेड लग रहा है जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है एंड यहाँ पर हमारा ये डन हो चुका है, इसको करेंगे डन। इसके अलावा लास्टली अपनी इमेज में एक बिल्कुल सिमिलर मोनोटोन वाली कलर टोन डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, कि आप अपनी हाईलाइट एंड शेडो में सिमिलर कलर को रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आएंगे एंड पूरी इमेज का जो हाईलाइट वाले पार्ट है उसमें क्या करेंगे एक कलर टोन डालेंगे। तो पहले सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड हल्की सी येलो टोन रखते हैं, तो देखो बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है ये एंड आई थिंक इतना सही है एंड ये हमारी इमेज पूरी यहाँ पर एडिट हो चुकी है। इसके अलावा इसमें अगर आप कुछ भी और करेंगे ना तो आपकी इमेज बिल्कुल ख़राब भी हो सकती है एंड नेचुरल आपकी इमेज नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ के कलर्स को ख़राब भी नहीं किया एंड इमेज बिल्कुल परफेक्ट लग भी रही है। तो अभी आपको ना ये सेम जो मैंने अभी यहाँ पर सेटिंग की है ये एक और इमेज पर दिखाता हूँ एंड फिर उसका देखेंगे बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पर चलते हैं एंड कॉपी सेटिंग्स एंड फाइनली लाइटरूम के अंदर आप मास्किंग को भी कॉपी कर सकते हो। अब तो मास्क को हमने कॉपी कर लिया एंड इसके बाद करेंगे डन। यह है हमारी नेक्स्ट इमेज, इस पे देखते हैं पहले एंड यहाँ पर करेंगे पेस्ट। सो देखो यहाँ पर आपको मास्क अपने हिसाब से थोड़े बहुत एडजस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि न्यू इमेज पे मास्किंग पेस्ट नहीं कर पाता ये, बट बेसिक कलर टोन देखिए पूरी फोटो में बिल्कुल सेम आ चुकी है एंड बिफोर आफ्टर अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये देखिए बिफोर एंड ये आफ्टर। ये मास्क वगैरह सारे आपको अपने हिसाब से छेड़ने पड़ेंगे, ऐसे मैं इसको रहने देता हूँ अभी एंड यहाँ पर क्या करते हैं दोबारा एक बार सेटिंग को कॉपी करते हैं, इस बार मास्किंग को कॉपी नहीं करेंगे। तो यहाँ करते हैं कॉपी सेटिंग्स एंड मास्किंग बाद में अपने हिसाब से कर लेंगे डन एंड ये रही फोटो, यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। सो ये देखिए बेसिक इमेज बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर कलर ग्रेड हो चुकी है और बहुत ही नेचुरल सी ये इमेज लग रही है। अब इसके लिए देखो आपको कोई प्रीसेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इसका प्रीसेट दे दो, भाई देखो इसमें कोई प्रीसेट नहीं है, इसमें जस्ट आपको मैनुअली थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस करने अपनी इमेज के हिसाब से एंड आपकी इमेज बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो इमेज बहुत ही नेचुरल लग रही है एंड कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा कि फोटो को एडिट किया गया है, अपने हिसाब से बस यहाँ पर आप मास्किंग को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाते हैं और थोड़ा सा डर लग रहा है ऊपर का पार्ट, तो लीनियर ग्रेड लेंगे ऐसा एंड जस्ट इसमें वाइट्स को बढ़ा देंगे
एंड डन। तो ये देखिए बहुत ही मस्त इमेज हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर एंड ये रहा आफ्टर। इस तरीके से अगर आप भी अपनी फोटो को बिना किसी ओवर एडिटिंग के एडिट करेंगे तो आपकी फोटो बहुत ही मस्त लगेगी एंड बाकी सभी लोगों से थोड़ी सी अलग लगेगी। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वाली वीडियो काफी अच्छी लगी होगी एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी फोटो को नेचुरल एडिट करेंगे एंड ओवर एडिटिंग नहीं करेंगे। इसका एक फायदा और है यार, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कौन सी फोटो में क्या टोन डालें। जस्ट आप फोटो क्लिक करो, उसमें हल्की सी करेक्शन करो और फोटो आपकी फाइनल डन। सो आई होप आपको काफी कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।